हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को फ्रंट लेयर विथ डीप यू करके बताऊंगी कैसे आप शॉर्ट हेयर पे फ्रंट लेयर एंड डीप यू कर सकते हो। तो इनकी ये लेंथ है, इनको शॉर्ट थोड़ी सी चाहिए थी, शॉर्ट ही रखती हैं। तो सबसे पहले हमें अच्छे से हेयर को भिंगा लेना है क्योंकि कटिंग अच्छे होते हैं। देन अच्छे से कॉम करना है, अच्छे से कॉम कर लेना है। अब मैं फ्रंट का लेयर कटिंग करूँगी। इनको फ्रंट में शॉर्ट थोड़ी सी चाहिए थी, मैंने पूछ लिया कितना और कटिंग कर लेना है। सेकेंड सेक्शन लूँगी, फ्रंट लेयर गाइडलाइंस है हमारे, गाइडलाइंस देख के सेकेंड वाले सेक्शन को काटना है। और अब मैं यहाँ से डीप यू करूँगी, उसके जो सेकेंड सेक्शन मैंने काटा था उसको मिला करके डीप यू जाएंगे। ये देखो, बस इनको इतना इतना ही कटवाना था। डीप यू हमेशा शोल्डर से ही जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हमेशा जब भी कटिंग करें डीप यू तो वो शोल्डर से करें। शोल्डर से करते करते डाउन लाएं और फिर अप लेकर जाएं। एक लाइट यू होते हैं, डीप यू होते हैं। लाइट यू आपके थोड़े से ही कटते हैं, उस पर हेयर जाते हैं, बट डीप यू में शोल्डर से जाते हैं। देन तो वो शोल्डर से अच्छे से कटिंग होते हैं। ये आप देख रहे हो, मैं मिला रही हूँ, पूरे अच्छे से मिला देना है इन्हें। मैं इस साइड का लेज़र कटिंग करूँगी, फिंगर्स पर से लेना है, क्रॉस करना है। हमेशा ये ध्यान रखें, फ्रंट का कर रहे हो आप लेज़र कटिंग तो फिंगर को हमेशा क्रॉस करना है, हैंड को एकदम क्रॉस करके करना है और मिला लेना है जो आपने फर्स्ट टाइम पे राइट साइड का काटा है और अभी का जो काट रहे हो उसको मिला लेना है। ये देखो, फिनिशिंग के बाद भी एक बार और मैं रीचेक कर रही हूँ तो ये हेयर एक्स्ट्रा आ रहा है। अब सेकंड सेक्शन लूँगी, फर्स्ट वाला गाइडलाइंस हमारा ये दिख रहा है आपको गाइडलाइंस, सेकेंड वाले को काट देना है गाइडलाइन से मिलाकर। अब इसको मिलाना है यूं, फिर से चेक करूंगी मैं थोड़ा, क्योंकि इस साइड पे क्या होते हैं थोड़े से उल्टा हो जाता है ये कटिंग करने में, तो थोड़े से इधर से प्रॉब्लम होते हैं। साइड से मैं फिर से रीचेक करूँगी। ये देखो, रीचेक के बाद भी कैसे हेयर लंबे लंबे से आ रहे बाहर, उसको कटिंग करना है अच्छे से, परफेक्ट। अब मिला लेना है, जितने अच्छे से कॉम करोगे, जितने अच्छे से देखोगे उतना हेयर निकलेगा, क्योंकि कॉम करने के बाद ही जो भी हेयर छूट जाते हैं जैसे सीजर चलते हैं तो वो क्या होते हैं कि छूट जाते हैं, और इनके कर्ल हेयर थे तो थोड़े से घूमे घूमे थे, वो अंदर बाल चले जा रहे थे। तो कर्ल हेयर पे हमेशा ये ध्यान रखें कि बहुत ही सही से कटिंग करें। अगर आपसे कटिंग हो गया है और अगर नहीं पता चल रहा है तो जैसे मैंने हाथ रख कर किया है वैसे ही करोगे तो वो एक्यूरेट बाल आएगा। ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया मैंने, ताकि आप देखो कर्ल हेयर पे इस टाइप से भी हाथ रख करके कटिंग होते हैं। मैंने लेंथ दिखा दिया था इनको कि ये लेंथ सही है, मैं चेक कर लूँगी। अब ड्रायर करना है, ब्लो ड्रायर, हमेशा ब्लो ड्रायर करते हुए आप पहले बाल को अच्छे से सेट कर लें।
ब्लो ड्रायर में बहुत ही अच्छे से कर्ल होने चाहिए। जब तक अच्छे से ब्लो ड्रायर नहीं होगा तो वो कर्ललेस नहीं दिखेंगे। ब्लो ड्रायर हमेशा कर अप से डाउन होते हैं, और जो आपका रोलर है उसको आपको ऊपर कर्ल करते जाना है एंड खींचते जाना है, तभी अच्छे से वो कर्ल अच्छे से आएंगे। ब्लो ड्रायर अगर अच्छे से नहीं हुए तो वो हेयर अच्छे नहीं आएंगे। आप देख रहे हो मैं कैसे कर रही थी, सेम इसी तरह आप करोगे तो ब्लो ड्रायर बहुत ही अच्छे से होंगे, क्योंकि जब तक अगर ब्लो ड्रायर अच्छे से नहीं होगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छे सा नहीं आएगा। तो ब्लो ड्रायर हमेशा अप से डाउन में आते हैं ड्रायर, इन्हें अपना फेस नहीं दिखाना था फ्रंट का, तो मैंने नहीं दिखाया फ्रंट का आपको, क्योंकि इनको नहीं दिखाना था कि मेरा फेस दिखे, देन इसी वजह से मैं नहीं दिखा पाई आपको। ऐसे ब्लो ड्रायर बहुत अच्छे लगते हैं, ये देखो कितने अच्छे से लुक आए। देन सेम फ्रंट पे भी करना है हमें, जो कितना प्यारा सा लुक आएगा। ये हमेशा ध्यान में रखें, अगर ब्लो ड्रायर कर रहे हो तो हिट ज़्यादा ना हो, अगर हिट होंगे ज़्यादा तो हेयर जल भी सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल, आराम से करें। ये देखो कितना प्यारा सा लुक आया, इनको फेस नहीं दिखाना था, देन मैं नहीं दिखा पाई आपको फ्रंट का। अगर आपको वीडियो बहुत ही पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, मैं ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करते रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।